प्रयागराज। पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा हाई अलर्ट जारी करने की तैयारी। साथ ही सूत्रों के मुताबिक आचार संहिता लागू किया जाएगा और अपराधियों, क्रिमिनल, दबंगों, भूमाफियाओं, बदमाशों व लाइसेंस धारकों के सारे औजार जमा करवाए जाएंगे। चुनाव के दौरान यदि शराब, गांजा, भांग, मांस, मुर्गा, बकरा, मदिरा का सेवन किया गया या किसी को साड़ियां एवं सामग्री व पैसा बांटते व चोरी से भिजवाने की कोशिश की या 5 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी जगह में एक साथ कोई भी खड़ा ना दिखाई दे, नहीं तो उसको पुलिस कर्मियों द्वारा उठा लिया जाएगा और मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। शासन प्रशासन का सख्त चेतावनी जारी किया जा रहा है। पंचायती चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रयागराज पुलिस हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं। यहाँ पर रेवेन्यू प्रशासन मजिस्ट्रेट के साथ भी मीटिंग करके तैयारी के हर बिंदुओं पर चर्चा की गई है। खास तौर से अवैध जो शस्त्र हैं उनको जब्त किया जाए, उनकी चेकिंग किया जाए। इसके अलावा जो लाइसेंसी शस्त्र हैं उनको भी जमा करा लिया जाए। इसका अभियान चल रहा है, NVW के अभियान चल रहे हैं। ये सारी तरह से जो आपराधिक लोग हैं, जो लोग इस तरह के चुनाव में खलल डाल सकते हैं, पीस ऑन लाइन ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया है और आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं।